तमिलनाडु का ये प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में ये शहर पल्लव राजाओं की राजधानी थी। मंदिरों का शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रारंभ में शहर को मामल्लापुरम कहा जाता था। शोर मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। ये 5 मंजिला मंदिर है। इसका संरचना 60 फुट ऊंची और 50 फुट वर्ग फुट में फैला हुआ है। शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके दोनों तरफ शिव मंदिर हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के रूप में ये एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती हैं। गणेश रथ भारत के तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक मंदिर है। ये महाबलीपुरम के पल्लव काल के स्मारकों के समूह के भीतर गुलाबी ग्रेनाइट के 10 नक्काशीदार में से एक है, जो कि यूनेस्को द्वारा 1984 के बाद से विश्व धरोहर स्थल है। श्री कृष्ण की बटरबॉल, ये 20 फीट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी चट्टान है, जो 4 फीट से कम आधार पर एक पहाड़ी की फिसलन ढलान पर है। इसे कृष्ण की बटरबॉल कहा जाता है, क्योंकि मक्खन उनका पसंदीदा भोजन है और ये एक मिथक है कि ये स्वर्ग से गिरता है। इसे तमिलनाडु में वाणी राय काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का पत्थर। पस्या कहा जाता है कि अर्जुन ने भगवान शिव का हथियार पारने के लिए काफ़ी कठिन तपस्या की थी, ताकि उस हथियार से उनके शत्रुओं का वध किया जा सके। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए यहाँ खड़े होकर तपस्या की थी, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। इस स्थान पर असाधारण सुंदरता वाली मूर्तियों को देखा जा सकता है, जिन्हें कुशल मूर्तिकारों ने बनाया है। भगवान कृष्ण को समर्पित एक गुफा मंदिर है, जिसे कृष्ण मंडपम के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिनमें से 5 का नाम महाभारत के पांडवों के नाम पर देखे जा सकते हैं। ये धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकल सहदेव रथ हैं। इनका निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों की शैली में किया गया है। 3 मंजिला धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। ये भव्य रथ 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा निर्मित कराए गए थे।